हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक दो पौधों की प्रूनिंग और बताऊंगा किस तरह से प्रूनिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट है, इसकी प्रूनिंग अभी नहीं की है। आपको मैं दिखा दूं इसको, तो किस तरह से इसकी प्रूनिंग करेंगे मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा इसकी प्रूनिंग किस तरह से करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। आप हमारे को इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। तो कर लेते हैं दोस्तों, पहले इसकी प्रूनिंग नीचे से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये एक पिछले साल थोड़ा सा ऊपर से कट किया था। वैसे तो ये बीमा है, पर मेरे को इतना नहीं चाहिए इतनी लंबी रिंग, तो मैं इसे यहाँ से निकाल दूंगा हल्का सा ऊपर से। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से मैंने इसे निकाल दिया है। यहाँ पर अगले साल बड फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कट किया था और यहाँ एक बीमा था, बीमा भी ये आगे भाग गया है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं रिंग, इसके जहाँ बीमा था ये, यहाँ पर भी एक रिंग होगा, वहाँ से मैं इसे कट कर दूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट ईयर बीमे बन जाएंगे, दो बीमे इसमें बने हुए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कट की थी, यहाँ बीमा बना है, यहाँ भी बना है। तो ये मैंने पिछले साल बड़ा इसको छोड़ दिया था, तो यहाँ पर रिंग है, मैं इसे रिंग के पास से काट दूंगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये होगी ये कट। अब ये मैं पिछले साल इसने यहाँ पर रिंग कट किया था, तो कुछ इस तरह से आ गया है। आप चाहे तो इसे नीचे से भी उड़ा सकते हैं क्योंकि ये खड़ा है, तो पर मैं इसे यहाँ से देखते छोड़ दूंगा इस तरह से। और यहाँ भी आप देख सकते हैं बीमा था ये छोटा सा, इसमें फ्लोरिंग नहीं हुई तो ये आगे निकल गया। इसे भी मैं रिंग से इस तरह से निकाल दूंगा। यहाँ मैंने रिंग कट किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर रिंग कट किया था, उसके बाद दो बीमे आए और एक बीमा बड़ा था ये, इसमें भी ये आगे भाग गया है। तो इसे भी मैं यहाँ से रोक दूंगा, मुझे ज़्यादा दूरी पे नहीं चाहिए इसे, बिल्कुल इसके साथ ही चाहिए टहनी के साथ। यहाँ पर भी बीमा था, ये भी मैं नहीं छोड़ूंगा। आप लोग चाहे तो इन्हें रख सकते हैं, इतनी जो रेंगे है इस तरह से, इतनी सी पिन इसे मैं छोड़ दूंगा। और ये आगे के तीन है, इन्हें तो मैं सिंगल करूंगा ही, और इसे मैं सिंगल छोड़ दूंगा, बाकी मैं बाद में इसे काटूंगा जब ये फरवरी में जब भी टाइम लगेगा। ये मैंने पिछले साल यहाँ से वीक में डाल दिया था, ये यहाँ बढ़ गया है, तो मैं इसे यहाँ से वीक में कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं बढ़ गया था ये, तो इसे यहाँ से मैंने वीक में डाल दिया इस तरह से। इसी तरह से आप ये दूसरा टहना देख सकते हैं, ये इस तरह से है, इसे भी करते हैं हम। ये देख सकते हैं यहाँ पर बीमा था, तो ये भाग गया। जो भी खड़ा होता है मतलब ऊपरी दिशा को है, बिल्कुल 90 डिग्री में वो ज्यादा भागते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर रिंग है, यहाँ पर भी रिंग है, इसे भी मैं यहाँ से इस तरह से काट दूंगा, इसे भी मैं यहाँ से काट दूंगा। तो यहाँ पर इसके रिंग है, पर यहाँ पर एक बीमा बन गया, ये आप देख सकते हैं, इसमें फ्लोरिंग होगी। तो मैं यहीं से इसे इस तरह से रोक दूंगा, क्योंकि ये तीन साल पुराना टहना है, ये मैं यहाँ से रिंग से इस तरह से कट कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये रिंग रुंग नहीं है, यहाँ हल छोटा सा बीमा था, उसके बाद मैं इसे यहाँ से काट दूंगा इस तरह से। यहाँ पर बड़ फॉर्मेशन हो जाएगी, ये इसे भी मैं थोड़ा दूरी से काटूंगा इस तरह से। इसे आप देख सकते हैं, इसे भी मैं थोड़ा दूरी से काटूंगा इस तरह से। इसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से मैंने काट दिया है और इसे मैंने ऊपर सिंगल कर दिया है। तो ये वाला टहना मेरा ऑलमोस्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसमें जो बड ग्राफ्टिंग की थी वो चली है, इसे मैं नहीं छेड़ूंगा अभी, क्योंकि इसमें पॉलिनेटर की कमी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने वीक में डाला था, यहाँ से एक बहुत बड़ा टहना आ गया है, तो इसे भी मैं हल्का सा यहाँ से इस तरह से कट दूंगा। यहाँ पर जो भी आएगा उसे देख लेंगे। और यहाँ पर ये वीक पे डाला था, तो यहाँ रिंग बन गई, इसे मैंने यहाँ से रोक दिया। इसी तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ बीमा था, ये भी भाग गया है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैं इसे भी निकाल दूंगा। ये यहाँ
यहीं से भी मैं इस तरह से रिंग से निकाल दूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कट किया था एक, इसमें दूसरी तरफ इसके बीमा बन रहा है और ये ऊपर भाग गया है, तो इसे भी मैं हल्का सा ऊपर से काट के यहाँ पर छोड़ दूंगा। ये देख सकते हैं ये आप मैंने छोड़ा था यहाँ पर रिंग रिंग कट इसमें कर दूंगा, और यहाँ बीमा था ये पिछले साल, तो इसे मैंने यहाँ से रोक दिया है। ये आप नीचे से देख सकते हैं इस तरह से टहना आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैंने कट किया था, यहाँ से ये भाग गया, तो इसे भी मैं थोड़ा ऊपर से इस तरह से काट दूंगा। इन तीन वैसे तो मैं इसे सिंगल ही छोड़ूंगा, बाकी जो हेडबैक है देखेंगे, अगर देना होगा तो मैं फरवरी में दूंगा, अदरवाइज एक साल ही में छोड़ दिया जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये इसकी सेकंड ब्रांच थी, काफ़ी आगे आ चुकी है, तो यहाँ तक इसके जो बीमे हैं वो बन गए हैं, तो मैं इसे यहाँ से इस तरह से रोक दूंगा सभी इन तीन को, मुझे आगे बिल्कुल नहीं चाहिए ये इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने इसे बंद कर दिया, ये यहाँ से खड़ा था भाग गया है, इसे भी मैं इस तरह से कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रिंग कट किया था, एक भाग गया, दो भी में बन गए, तो इसे मैं इस तरह से यहाँ से निकाल दूंगा। तो ये वाला टहना भी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टहने पे, ये टहना देख सकते हैं आप यहाँ से इस तरह से है कुछ, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर पिछले साल छोड़ा था तो रिंग है, तो मैं यहाँ से रिंग कट कर दूंगा इस तरह से, इसमें भी रिंग है, इसको मैं कट कर दूंगा, इसे आप यहाँ से मैं निकाल दूंगा, और इसे तो ऊपर मुझे सिंगल छोड़ना ही है, तो इस तरह से मैंने इसे सिंगल कर दिया। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसी के साथ ही आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट है ना, ये भी यहाँ से कट किया था तो ये काफी भाग गया है, तो यहाँ से इसमें रिंग आ गई है, तो इसे मैं यहाँ से कट कर दूंगा। यहाँ से इसके तीन है, तो इन्हें मैं सिंगल कर दूंगा, थोड़ा दूर से ही काटना है आपने, बिल्कुल नजदीक से ना काटे इस तरह से। तो ये वाला टहना भी हमारा हो गया, इसे भी मैं सिंगल छोड़ दूंगा। अगर आपका टहना ग्रोथ में नहीं तो आप ये बीमा भी निकाल सकते, मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ काफी है, तो ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टहने पे, ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं खड़े जा रहे हैं, खड़े जा रहे हैं, तो इसे मैं यहाँ से निकाल दूंगा इस तरह से। ये निकाल दिया मैंने थोड़ा सा ऊपर से, ये बहुत छोटी है तो इन्हें मैं छोड़ दूंगा, खड़े वाली निकाल दूंगा, ये दो ऊपर एक है, इन्हें छोड़ दूंगा और यहाँ से कर दूंगा मैं इसे सिंगल इस तरह से। तो ये वाला टहना भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, अब देख सकते हैं आप यहाँ ये इसे कर दूंगा मैं सिंगल। इसके बाद देख सकते हैं आप ये वाला टहना, ये भी यहाँ से पिछले साल छोड़ा था, दोबारा से भाग गया, रिंग है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा रिंग कट यहाँ पर, ये पिछले साल वीक था तो आगे से इसमें थोड़ा सा आया है, यहाँ पर पाउडर मिल रही थी तो उसी वजह से शायद ये ऐसा हो गया है, तो इसे मैं इस तरह से रिंग से कर दूंगा, फिर कर दूंगा ये भी मैं यहाँ से, रिंग है यहाँ पर मैंने पिछले साल कट किया था तो ये और भी भाग रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से कट कर दूंगा, और ये भी था यहाँ बीमा, इसे इस तरह से रोक दूंगा, ये इस तरह से, फिर इस तरह से, और देख सकते हैं आप ये टहना है, इसे ये ज्यादा ही खड़ा हो रहा है तो मैं इसे यहाँ से निकाल दूंगा, जो मेन है वही इसका रहने दूंगा भले ही वो वीक है। आप लोग के अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप लोग सीधे टहने को ही बस तक देखे, नेक्स्ट ईयर इसमें आ जाएगी ग्रोथ में, इसे थोड़ा जहाँ इसमें ऊपर बीमा दिख रहा है यहाँ से पीछे से काट दूंगा सही सी आंख से। बाकी ये आप देख सकते हैं ये भी यहाँ बीमा था, तो यहाँ से मैं इसे काट दूंगा, इन दो को आगे से सिंगल कर दूंगा। अगर आपने बढ़ाना है तो आगे से हेडबैक आप दे सकते हो, वो मैंने आपको बताया हुआ, ऐसे मत बोलिए कि इसमें जो आपने हेडबैक नहीं दिया तो ग्रोथ कैसे होगी, तो आपने, मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग दे सकते हैं अगर आपके टाइम हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये है तीन टहने, इसमें
इस तरह से कट कर दिया इसे इस तरह से इसको। तो यहाँ पर ये की थी ग्राफ्टिंग, ये हुई है ग्राफ्टिंग इसमें। तो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ से कट कर दूंगा, जो नीचे से टहना आया है इसे मैं अब काटूंगा नहीं ग्राफ्टिंग को, जितनी खुद बढ़ेगी उतनी बढ़ाएंगे, बाकी इसको हम काट देंगे। ये देख सकते हैं, ये थी इसकी सेकेंडरी ब्रांच। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसे इतने आगे से नहीं काटूंगा, मैं इसे कोई यहीं से ही काट दूंगा, क्योंकि ये अब 3 साल का हो चुका है। तो इसे यहाँ से बंद कर लिए। यहाँ पर आप बीमा देख सकते हैं कितना स्ट्रांग है। हमें पीछे आना है तो यहाँ पर थे 2 बीमे, मैंने वो पिछले साल छोड़े थे, तो यहाँ है दोनों जगह रिंग। इस तरह से इसे मैंने बंद कर दिया। तो ये वाला टहना भी ऑलमोस्ट हो गया है। अब रहा है थोड़ा सा ऊपर, ऊपर के लिए हमें कुछ लेना पड़ेगा। तो किल्टे पे जाके पहुंच जाऊंगा मैं शायद। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये भी इसकी 2 ब्रांच, यहाँ से ये ब्रांच है, इसे सिंगल कर दिया। यहाँ पर ये ब्रांच आई, ये भी आगे से डबल है, इसे भी मैंने सिंगल कर दिया है। इसे मैं लीडर से रहने दूंगा, इनमें मैं थोड़े थोड़े कट कर दूंगा। जो भी टहने ये आप देख सकते हैं टहना रहा है, यहाँ से कट करेंगे इसे फरवरी में, यहाँ से लीडर से टहने बनाने हैं हमारे को, बाकी और से हमें इसमें ही रहना है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ खड़ा जा रहा है, काफ़ी तेजी से भाग गया, तो इसे भी मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो अब रह गया ऊपर का, ऊपर का आपको किस तरह से दिखाया, इसे खींचना पड़ेगा। बड़ा टफ काम है, पर चलो ये आप देख सकते हैं ये वाला टहना है, इसे मैं यहां से निकाल दिया इस तरह से। उसको मैं आगे से सिंगल छोड़ दूंगा कि आप देख सकते हैं, और बाकी जितने भी इसमें ऊपर लीडर में आपको टहने दिख रहे हैं इसे मैं रहने दूंगा। ऊपर यहाँ 3 है, उसमें से 2 को मैं निकाल दूंगा टॉप के, बाकी कोई अगर कोई खड़ा होता है तो उसे आप निकाले, बाकी को आप रहने दें। इसकी कोशिश करता हूँ अगर ये इसे पकड़ पाऊंगा, क्योंकि पेड़ टूटने का डर बना रहता है, जो मैं चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो जाए। ये मैंने ऊपर की जो इसकी सिंगल मैंने ये कर दिया, बाकी से ऐसे ही छोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं, बाकी ऊपर से मैं इन्हें सबको कट करूंगा, क्योंकि ऊपर को मुझे ग्रोथ चाहिए। अब रह गया है एक टहना, ये शायद इस साइड से नहीं होने हो पाएगा, कोशिश करते नहीं होगा, दूसरी साइड से दोबारा चढ़ना पड़ेगा। दोस्तों शायद एक ही पेड़ हो पाएगा, क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो गया है, बनाएंगे धीरे धीरे आपके लिए। 30-40 वीडियो का टारगेट है, बनाएंगे 30-40 पौधे पे, ज्यादा हो सकेगी तो ज्यादा करेंगे टाइम के हिसाब से। ये देख सकते हैं आप, एक टहना रह गया, बाकी ऑलमोस्ट ये कट ही गया है। तो जाना पड़ेगा ऊपर दोबारा से गिलता लगा के। ये वाला टहना रह गया, तो ये देख सकते हैं इसे करना पड़ेगा, खींचूगा इस्तेमाल। चला सिर्फ खींच दिया इसको मैंने नीचे, तो इसे यहाँ से ये खड़ा जा रहा है, तो इसे तो मैं यहाँ से हल्का सा ऊपर से काट दूंगा, इसे काट दूंगा मैं। यहाँ बीमा था ये, यहाँ से जैसा, और इसके साथ ऊपर इसे मैं सिंगल ही छोड़ दूंगा इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरे, बाकी मैं कोई भी बीमा वगैरह नहीं निकालूंगा, क्योंकि कहीं से भी टहना आ सकता है। जो आपके लीडर से टहने आते हैं, जैसे ये आया इसे भी मैंने छोड़ दिया, वो आया उसे भी मैंने छोड़ दिया, ऊपर भी 3 आप देख सकते हैं, 4 है ये, इन सबको मैंने छोड़ दिया है। बाकी ऊपर इनमें सब में मैं हेडबैक कर दूंगा, और ये ऑलमोस्ट ये पूरा हो चुका है, वही जो आगे से कटिंग इसमें होनी है। ये यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ ग्राफ्टिंग हुई थी,
तो यहाँ से इसमें मैं थोड़ी सी हेड बैक दूंगा इसे बढ़ाने के लिए। बाकी इसकी जो प्रूनिंग है वो हो चुकी है, आपको मैं दूर से दिखा दूँ, नज़दीक से भी दिखा दूँ। पहले ये आप देख सकते हैं, ये हो चुकी है इस तरह से इसकी प्रूनिंग, ये देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस पौधे की प्रूनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, मैं आपको दूर से दिखा दूँ इसको अगर। ये देख सकते हैं आप इस तरह से इसकी प्रूनिंग मैंने कर दी है। ये आप देख सकते हैं सेकेंडरी ब्रांच को यहाँ पर रोका है, बाकी इसी इन सबको सिंगल ही छोड़ दिया है इस तरह से। इसमें आप देख सकते हैं बड फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी हुई है, धीरे धीरे ये मच्योर होते, एकदम मच्योर नहीं होगा बीमा, टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल तक वेट करें, एकदम नहीं होता है। आप चाहे कि हम बहुत सारे पीने छोड़ देते हैं ये, या वाटर शूट छोड़ देते हैं, बीमा बन जाएगा, ऐसा नहीं है, बीमा बनेगा नो डाउट, पर वो भी वीक होगा। तो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए सही जगह पे ही बीमा बनाना है। जितना आप पेड़ को इस तरह से खुला बनाएंगे, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी चांस नहीं है कि इसमें धूप ना जाए, चाहे ये कितना भी शेडी जगह पे हो। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।